और मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा को जो है सीआईपी में शिफ्ट कर दिया गया है। और आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं न्यूज 11 भारत के टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पंकज मिश्रा को सीआईपी में शिफ्ट किया जा रहा है, उनका नशा मुक्ति का इलाज होगा। आपको बता दें कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था और उनका इलाज जो है रिम्स में चल रहा था। फिलहाल रिम्स प्रबंधन ने जो है अब सीआईपी में शिफ्ट होने का जो आदेश दिया था, और आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, पंकज मिश्रा को सीआईपी में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर सीआईपी में उन्हें शिफ्ट करने के बाद नशा मुक्ति का इलाज होगा। लगातार उनके कई दिनों से जो है रिम्स में वे भर्ती थे। रिम्स प्रबंधन ने फिर यह निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं जो मामला है रिम्स के पेइंग वार्ड में, पेइंग वार्ड से सीआईपी ले जाया जा रहा है पंकज मिश्रा को, और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जा रहा है। ओपीडी में चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की जांच भी कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है। आपको बता दें कि रिम्स मेडिकल बोर्ड की सलाह पर रांची पुलिस रिम्स के पेइंग वार्ड से अब पंकज मिश्रा को जो है सीआईपी स्थित नशा मुक्ति केंद्र ले गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।